हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दो और सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। 90 में से अब तक 88 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। सुहाना और भिवानी सीट पर अब तक ऐलान नहीं किया गया है। उकलाना से नरेश सेलवाल होंगे उम्मीदवार। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 89 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। कालका विधानसभा से ओम प्रकाश गुर्जर होंगे उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बचे 3 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए। महेंद्रगढ़, सिरसा और फरीदाबाद एनआईटी पर नाम का ऐलान। गोपाल कांडा की सिरसा सीट पर भी बीजेपी ने उतारे उम्मीदवार। बीजेपी ने वरिष्ठ नेता राम विलास शर्मा को टिकट नहीं दिया। हरियाणा के तोशाम सीट पर इस बार भाई बहन के बीच मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी और कांग्रेस की तरफ से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट मिला है। हरियाणा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवार जेजेपी के हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी के 4 प्रत्याशियों को मौका मिला है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने करनाल से जितेंद्र रायल, पानीपत शहर से रविंद्र मिन्ना को टिकट दिया है, तो आजाद समाज पार्टी ने भिवानी से जुगनू मेहरा, बहादुरगढ़ से बलवान सिंह को मैदान में उतारा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक। 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। हरियाणा में आज नामांकन का आखिरी दिन है। 5 अक्टूबर को सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को हरियाणा में मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंजीनियर रशीद ने किया चुनाव प्रचार रैली के लिए भारी तादाद में जुटे लोग। चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ से रिहा हुए हैं इंजीनियर रशीद। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के लिए इंजीनियर रशीद को जमानत मिली है। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकी सलाहुद्दीन के लिए हमदर्दी दिखाई। कहा, चुनावों की गड़बड़ी की वजह से मोहम्मद यूसुफ शाह बना मोहम्मद सलाहुद्दीन। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। सांसद इंजीनियर रशीद का अब्दुल्ला परिवार पर बड़ा हमला। कहा, कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख फारूक और उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान भी कूदा। सोशल मीडिया के जरिए कर रहा है चुनाव में एंटी इलेक्शन, एंटी इंडिया प्रचार। जमात भी फिर हुआ एक्टिव। जम्मू कश्मीर के डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा, डबल इंजन की सरकार से कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 19 सितंबर को श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली में 30,000 पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के सांबा में उत्तराखंड के सीएम धामी का चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। इनेलो ने दिया हरियाणा लोकहित पार्टी को सिरसा में समर्थन। अभय चौटाला और गोपाल कांडा करेंगे संयुक्त प्रेस वार्ता। हरियाणा चुनाव पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, हरियाणा में 10 साल से कुशासन चल रहा है। बीजेपी को हराने के मकसद से उतरेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नारनौंद विधानसभा से उम्मीदवार बदला। राजीव पाली को हटाकर रणवीर सिंह लोहान को दिया गया टिकट। करनाल विधानसभा से पूर्व विधायक सुमिता सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया। घर पर समर्थकों का बधाई देने का तांता। सुमिता सिंह के सामने बीजेपी के जगमोहन आनंद मैदान में होंगे। हरियाणा में कांग्रेस की आखिरी लिस्ट पर बीजेपी नेता अनिल विज ने ली चुटकी। कहा, दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं। फरीदाबाद के तिगांव से टिकट कटने पर रोने लगे पूर्व कांग्रेस विधायक ललित नागर। ललित नागर की जगह पर कांग्रेस से दिया गया है रोहित नागर को टिकट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, हरियाणा में किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है। News 18 India Chopal, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ News 18 India Chopal देखिए सिर्फ News 18 India पर।